हमारे देश भारत में रहस्यमय और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। कुछ ऐसे ही एक मंदिर राजस्थान में है और जहां शाम ढलते ही लोग वहां से भाग जाते हैं और इस मंदिर में रात में तो कोई भूलकर भी रुकना नहीं चाहता। इसके पीछे की जो वजह बताई गई है वो काफी रोचक है। लोगों का ऐसा मानना है कि इस मंदिर में रात में जो भी रुकता है वो पत्थर का बन जाता है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित इस मंदिर को किराड़ू मंदिर के नाम से जाना जाता है। बता दें कि इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है और दक्षिण भारतीय शैली में बना यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि 1161 ईसा पूर्व इस जगह का नाम किराटकूप था। किराड़ू पांच मंदिरों की एक श्रृंखला है जिसमें से विष्णु मंदिर और शिव मंदिर और सोमेश्वर मंदिर ही थोड़े ठीक हालत में है, जबकि बाकी के मंदिर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। इन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था यह कोई नहीं जानता, लेकिन मंदिरों की बनावट को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद दक्षिण के गुज्जर प्रतिहार वंश और संगम वंश या फिर गुप्त वंश के काल में इनका निर्माण हुआ होगा। किराड़ू मंदिर को लेकर मान्यता ये है कि कई साल पहले एक सिद्ध साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ आए थे। एक दिन वो अपने शिष्य को वहीं छोड़कर कहीं भ्रमण के लिए चले गए। इसी बीच एक शिष्य की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद बाकी शिष्यों ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। बाद में जब सिद्ध साधु वहां पर आए तो उन्हें सारी बात पता चली और इस पर वे गुस्सा हो गए और गांव वालों को श्राप दे दिया कि सूर्यास्त होने के बाद सभी लोग पत्थर के बन जाए। वहीं एक मान्यता यह भी है कि एक महिला ने साधु के शिष्यों की मदद की थी, इसीलिए उस साधु ने महिला से कहा था कि वो शाम ढलने से पहले गांव छोड़कर चले जाए और पीछे मुड़कर ना देखें। लेकिन महिला नहीं मानी और पीछे मुड़कर देखने लगी, जिसके बाद वो पत्थर की बन गई। मंदिर से कुछ ही दूर पर उस महिला की मूर्ति भी स्थापित है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे देश भारत में रहस्यमय और प्राचीन मंदिरों की कोई कमी नहीं है। कुछ ऐसे ही एक मंदिर राजस्थान में है और जहां शाम ढलते ही लोग वहां से भाग जाते हैं और इस मंदिर में रात में तो कोई भूलकर भी रुकना नहीं चाहता। इसके पीछे की जो वजह बताई गई है वो काफी रोचक है। लोगों का ऐसा मानना है कि इस मंदिर में रात में जो भी रुकता है वो पत्थर का बन जाता है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित इस मंदिर को किराड़ू मंदिर के नाम से जाना जाता है। बता दें कि इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है और दक्षिण भारतीय शैली में बना यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि 1161 ईसा पूर्व इस जगह का नाम किराटकूप था। किराड़ू पांच मंदिरों की एक श्रृंखला है जिसमें से विष्णु मंदिर और शिव मंदिर और सोमेश्वर मंदिर ही थोड़े ठीक हालत में है, जबकि बाकी कि मंदिर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। इन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था यह कोई नहीं जानता, लेकिन मंदिरों की बनावट को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद दक्षिण के गुज्जर प्रतिहार वंश और संगम वंश या फिर गुप्त वंश के काल में इनका निर्माण हुआ होगा। किराड़ू मंदिर को लेकर मान्यता ये है कि कई साल पहले एक सिद्ध साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ आए थे। एक दिन वो अपने शिष्य को वहीं छोड़कर कहीं भ्रमण के लिए चले गए। इसी बीच एक शिष्य की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद बाकी शिष्यों ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। बाद में जब सिद्ध साधु वहां पर आए तो उन्हें सारी बात पता चली और इस पर वे गुस्सा हो गए और गांव वालों को श्राप दे दिया कि सूर्यास्त होने के बाद सभी लोग पत्थर के बन जाए। वहीं एक मान्यता यह भी है कि एक महिला ने साधु के शिष्यों की मदद की थी, इसीलिए उस साधु ने महिला से कहा था कि वो शाम ढलने से पहले गांव छोड़कर चले जाए और पीछे मुड़कर ना देखें। लेकिन महिला नहीं मानी और पीछे मुड़कर देखने लगी, जिसके बाद वो पत्थर की बन गई। मंदिर से कुछ ही दूर पर उस महिला की मूर्ति भी स्थापित है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।